नहीं, पहले मैं चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप्स, लेग्स और शोल्डर करता था। मम्मी की सब्जी को कहते हैं मम्मी। कहता ना कि मैं हमेशा 100 ग्राम पनीर खाता हूँ आफ्टर जिम। हम बैक टू द डे 16 ऑफ डिसिप्लिन। तो हम कल शाम को गए थे रनिंग करने के लिए, इसलिए मैं सुबह रनिंग करने के लिए नहीं गया क्योंकि फिर काफ़ी कार्डियो हो जाता मेरे लिए। शाम को भी किया, फिर सुबह भी किया, तो इसीलिए तो आज हम जिम जाएंगे शाम को। और फिर कल से सुबह ही हम रनिंग करेंगे, शाम को रनिंग नहीं करेंगे। वैसे भी आज मेरा फास्ट है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो शायद आपका भी फास्ट होगा। बेसिकली ओट्स नहीं खाने हैं क्योंकि वो आटे से बने हुए होते हैं, तो आज मेरा फास्ट है तो हम दूध और केले खा सकते हैं। ठीक है, मंदी, बारिश तो पड़ती नहीं है फिर भी चलो, मौसम तो सीख गया है। सभी अभी नहा कर आया हूँ और सेब, दो केले और दूध खाते हैं क्योंकि आज मैं और तो खा नहीं पाऊंगा, तो पहले ये खाते हैं फ्रूट्स। मैंने अभी अभी एक चीज़ बनाई है कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम टेबल बनाया कि मेरा टाइम टेबल बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें काफ़ी चीज़ें ठीक करूँगा अभी। नहीं, पहले मैं चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप्स, लेग्स और शोल्डर करता था, लेकिन ये मैंने यूट्यूब पर देखा था कि ये काफ़ी काम करता है, तो मैं एक बार ये चीज़ ट्राई करता हूँ। You have two choices, this or this. And well, let's go to gym and hit the chest and shoulders. 7:05 हो रहे हैं, 7:09 तक पहुँचूँगा, चलते हैं। Let's hit today chest, करते हैं, चलते हैं आज। ठीक है, डूइंग अ ट्राइसेप्स और चेस्ट कर रहे हैं आज। आई थॉट कि हम शोल्डर करेंगे, बट शोल्डर किया नहीं, तो चेस्ट और ट्राइसेप हम कर रहे हैं आज क्योंकि शोल्डर हमने सैटरडे को किया था, तो इसलिए हमने शोल्डर नहीं किया, हमने चेस्ट और ट्राइसेप ही किया है। चेस्ट का कम से कम 5-6 करूँगा एक्सरसाइज, बट ऐसा होता नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम 7 और 8 करते हैं वर्कआउट, तो डेट्स वाई, दिस द रीज़न। कहते ना कि मैं हमेशा 100 ग्राम पनीर खाता हूँ आफ्टर जिम, तो यही है। फिलहाल भी कंडीशन बॉडी की थोड़ी ऐसी है जिसमें कि मुझको ये चीज़ कम करनी है, ये चीज़ पता नहीं कैसे कम होगी, बट फिलहाल तो अभी ये कंडीशन है। करते हैं लोगों पर एंड। मैंने जस्ट खाना वाना खा लिया था और मैं जस्ट अभी वॉक कर रहा हूँ खाना खाने के बाद। मैंने यार एक चीज़ देखी, अभी मैंने एक वीडियो देखा था सुनील छेत्री की और एक पॉडकास्ट था उसका, पता नहीं किससे था, नाम भूल गया मैं उसका। तो यार बहुत सही बताया उसने, बहुत सही, कि माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब, लेकिन माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो। नो मैटर हाउ बैड डे, कितने आपके बेकार दिन जा रहे हैं, बट बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि मैंने मतलब काफ़ी मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट ये वाले, तो एक बहुत चीज़ पता चल रही है कि काश मेरे को ये चीज़ पहले पता होती। बहुत दुखी फील कर रहे हो, करो भाई, बी इन डिसिप्लिन। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट ठीक है, उनको उड़ाने दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इट इज़ ट्रू यार। माइंड को कंट्रोल करो और जो भी चीज़ करनी है, जो भी आपका गोल है, भले ही मैं चीज़ अभी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो आपका गोल है वो फॉलो करो। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, तब तक के लिए खुश रहो, अपने गोल के लिए मेहनत करते रहो।